गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। तो आप सीख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दो नाम है इसके। तो ये 13 लेक्चर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप भी लिखेंगे, बिल्कुल उतारते जाइएगा। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको। देखिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म का दो पार्ट था, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बता चुके थे। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो पार्ट था आइसोमरिज्म का। स्ट्रक्चरल का पार्ट आप पढ़ चुके थे, स्टीरियो का दो पार्ट है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आप पढ़ चुके थे, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लास्ट है, आइसोमरिज्म का ये लास्ट पार्ट है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो डिफाइन कर लेते हैं, पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिफाइन कर लेते हैं। द कंपाउंड लिखेंगे, द कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर एक्शन, बट डिफर इन देयर एक्शन their action towards plane polarized light PPL but differ in their action towards PPL. PPL का full form है plane polarized light, plane polarized light। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होते क्या है समझाते हैं आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पहले पीपीएल को समझा लेते हैं, फिर आगे हम लिखाते हैं आपको पीपीएल क्या होते हैं, पीपीएल के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो स्टार करके आप लिखेंगे पीपीएल, पीपीएल आपको समझना है। यहाँ देखिए, जैसे जो आपके घर में बल्ब जलता है या ट्यूबलाइट जलता है तो वो लाइट क्या है, ऑर्डिनरी लाइट होते हैं। जो आपके घर में बल्ब जलता है वो ऑर्डिनरी लाइट होते हैं। उसका नेचर क्या होता है, ये लाइट पास होंगे तो जितने बार पार्टिकल से टकराएंगे उतने बार ग्लो करेंगे। लेकिन पीपीएल का नेचर होता है जहां आप टारगेट करेंगे बस वहीं दिखेगा आपको, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इस लाइट का डिफ्लेक्शन होता है, इस लाइट का डिफ्लेक्शन होता है, ऑर्डिनरी लाइट, जो लाइट आपके घर में है ऑर्डिनरी लाइट का डिफ्लेक्शन होता है, ऑर्डिनरी लाइट का डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन पीपीएल का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जहां आप टारगेट करेंगे बस वहीं देखेगा। जैसे एक्सरे होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स का इमेज लेने में एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होते हैं, तो वो भी पीपीएल नेचर होता है, वो भी डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो हम पीपीएल को और अच्छे से समझाते हैं। पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखा हुआ ऊपर में है ही। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ये आपके घर में बल्ब जल रहा है इस तरह से, इस तरह का बल्ब जल रहा है, ये फिलामेंट है इसका, ये फिलामेंट है इसका, रेड पेन हम ले लेते हैं, ये बल्ब है, इस तरह से बल्ब, ये बल्ब जो ग्लो करेंगे तो इस लाइट को बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। ये कैसा लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट है ये, ऑर्डिनरी लाइट है ये। इस लाइट को हम पास कराते हैं निकोल प्रिज्म से, इस लाइट को हम पास कराते हैं निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म याद रखिएगा, निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे, ये लाइट पार्टिकल ये पीपीएल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट पीपीएल, और पीपीएल को हम ऐसा सिंबलाइज कर रहे हैं, ऐसा सिंबलाइज कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से, प्लेन पोलराइज्ड का सिंबल इस तरह से होते हैं। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराए तो ये इस तरह से, इसको पास कराए इधर से तो ये
पीपीएल इस तरह से पीपीएल में कन्वर्ट हो गया। पीपीएल का क्या नेचर होता है, डिफ्रेक्शन नहीं होते हैं, आप जहां टारगेट करेंगे वो डिफ्लेक्ट कम होगा, बहुत ही मिनिमम डिफ्लेक्शन होते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट का डिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जहां टारगेट करेंगे बस वहीं दिखेगा आपको। ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट। इस तरह से हम सिम्बोलाइज किए हैं, इसका सिंबल इस तरह से है, ये इसका सिंबल है, सिंबल इस तरह से सिंबलाइज किए हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। तो यहां तक उतारिए फिर हम आगे बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट है पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरह से आप सिंबलाइज किए थे, ऐसा सिंबलाइज किए थे, ये सिंबल है, ये प्लेन पोलराइज लाइट का ये सिंबल है, ये पीपीएल का सिंबल है, पीपीएल का सिंबल है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ये भी कोई भी कंपाउंड है, और ये पीपीएल इससे पास कराते हैं, पीपीएल इस कंपाउंड से पास कराते हैं, अगर ये लाइट डिफ्लेक्ट नहीं होता है, जैसा आप पास कराते हैं वैसा ही बिल्कुल निकल जाता है, जैसा आप पास कराए वैसा ही निकल गया, तो ये कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन कि ये पीपीएल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पास कराए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी यहाँ लिख सकते थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पास कराए, जैसा ये लाइट था वैसा ही उधर निकल गया, मीन्स क्या, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन, यहाँ लिख दिए नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन इस लाइट में नहीं है, पीपीएल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। फिर देखिए सेकेंड कंडीशन, हम ऐसा लिखते हैं ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पीपीएल है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए और इससे पास कराए, पास कराने के बाद ओरिजिनल पोजिशन इसका ये रहता, पीपीएल का ओरिजिनल पोजीशन ये है, हम डॉटेड लाइन से इसको दिखा रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, लेकिन ऐसा नहीं रहा, ये बिल्कुल राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा हो गया ओरिजिनल पोजीशन से बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया ये। हम फिर से बना देते हैं इसको, ओरिजिनल पोजीशन हम रेड पेन से बनाते हैं इसका, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था इस टाइप से, अगर जैसा पास कराए जैसा आप दे रहे हैं वैसा ही बिल्कुल इधर निकल रहा है, ये ओरिजिनल पोजीशन इसका, और लेकिन ऐसा नहीं है ये लाइट डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से लाइट डिफ्लेक्ट हुआ, तो लाइट आपके राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ, इधर राइट साइड बोलेंगे, राइट साइड, ये लाइट जो है राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ, राइट साइड पीपीएल जो है राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कंपाउंड जो होगा ये कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाएंगे, ये कंपाउंड डी कंपाउंड, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहलाएंगे, डी कंपाउंड कहलाएंगे, डी कंपाउंड का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाएंगे, और इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी से सिम्बलाइज करेंगे, डी कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डी कंपाउंड, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, ये राइट साइड, अगर पीपीएल को राइट साइड डिफ्लेक्ट करेंगे डी कंपाउंड, अगर पीपीएल को लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेंगे तो एल कंपाउंड होता है, लेवो रोटेटरी कंपाउंड कहलाते हैं, तो ये कंपाउंड राइट साइड, ये कंपाउंड पीपीएल को राइट साइड डिफ्लेक्ट किया है, राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ, ओरिजिनल ये पोजीशन था, डिफ्लेक्ट होकर ऐसा हो गया, राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ है, राइट साइड डिफ्लेक्ट, ये कंपाउंड कैसा होगा, डी कंपाउंड, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। नेक्स्ट है थर्ड, एक और कंडीशन है, देख लीजिए, मान लीजिए पीपीएल आपका इस तरह से, ओरिजिनल पोजीशन पीपीएल का ये है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ओरिजिनल कंडीशन ये है, और बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखे और पास करा दिए इससे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लिख सकते थे, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रखे, और इसका डिफ्लेक्शन देखिए, ओरिजिनल पोजीशन इसका ये था ओरिजिनल पोजीशन, रेड पेन से हम दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है, अब ऐसा ये पीपीएल नहीं है, इधर डिफ्लेक्ट हो गया है, तो डिफ्लेक्ट आपका लेफ्ट साइड, तो इधर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हुआ, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा, तो ये कंपाउंड जो होगा एल कंपाउंड कहलाएंगे, एल कंपाउंड का मतलब है लेवो रोटेटरी कंपाउंड, एल का फुल फॉर्म है लेवो रोटेटरी, लेवो ऐसा लिखा जाता है, लेवो रोटेटरी
लेबोरेटरी कंपाउंड, लेबोरेटरी कंपाउंड कहा जाएगा, एल कंपाउंड कहा जाएगा। यहां इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका लिख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हेडिंग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर दोज व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर। पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड्स आर दोज, दोज पहले एसिमेट्रिक लिखा देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर एसिमेट्रिक इन नेचर, व्हिच आर, समझा रहे हैं आगे हम, व्हिच आर एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इन नेचर, एसिमेट्रिक इन नेचर। एसिमेट्रिक नेचर का मतलब क्या होते हैं? ए मीन्स नॉट होता है सिमेट्री, दो इक्वल हाफ में जो नहीं बटे उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक। ए मीन्स नॉट सिमेट्रिक मतलब दो इक्वल हाफ में नहीं बटना, मीन्स क्या, सिमेट्रिक मतलब क्या, दो इक्वल हाफ में बांटना। कोई भी कंपाउंड अगर दो इक्वल हाफ में नहीं बटेंगे तो उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक। ए मीन्स नॉट होता है, असिमेट्री मीन्स दो इक्वल हाफ में बटना, तो नॉट दो इक्वल हाफ में नहीं बटना मतलब एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इन नेचर। तो हम आगे समझा रहे हैं, इसको एग्जांपल देकर के समझा रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर, दोज व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉजिबल, नॉन सुपर इम्पॉजिबल, इम्पॉजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ इच अदर। समझा रहे हैं इसको भी हम, इच अदर, नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर। इस पॉइंट को भी हम समझा रहे हैं, चारों पॉइंट हम समझा रहे हैं। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे लेबो डेक्स्ट्रोरोटरी, ये भी लिख दीजिए, द कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच रोटेट्स, व्हिच रोटेट्स, रोटेट्स पीपीएल, व्हिच रोटेट्स पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच रोटेट्स पीपीएल टू राइट साइड, राइट साइड, राइट हैंड साइड या राइट साइड, देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पीपीएल को राइट साइड डिफ्लेक्ट करेंगे, पीपीएल को राइट साइड डिफ्लेक्ट करेंगे तब कंपाउंड होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, मीन्स क्या, डी कंपाउंड, शॉर्टकट में डी कंपाउंड लिख सकते हैं, डी कंपाउंड बोलेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो उसे बोलेंगे लेबो एल कंपाउंड। तो हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी लिख लीजिए द कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच रोटेट्स,
विच रोटेट्स पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड लेबोरेटरी कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड लेबोरेटरी एल कंपाउंड लेबोरेटरी कंपाउंड एल कंपाउंड एल कंपाउंड मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिए आप। एक एक करके हम सबको समझाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो आप समझ चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को समझाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखे थे पहले उसको समझते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होते हैं। मान लीजिए कोई लेटर ए है, कोई लेटर ए है, ए लेटर है, तो ये सिमेट्रिकल नेचर का है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, क्योंकि इसको दो इक्वल हाफ में आप बांट सकते हैं, ये दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ये सिमेट्रिकल नेचर का है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसका मिरर इमेज लेते हैं, इसका मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा ही बनेगा, ये ऐसा ही लेटर बनेगा। और इस लेटर को उठा करके इस पे रख दीजिए, इस लेटर को उठा करके इस पे रख देंगे तो ये कंप्लीट ढक जाएगा, अगर कंप्लीट ढक जाएगा तो ये इमेज जो होगा सुपर इम्पॉसिबल होगा, ये इमेज कैसा होगा, सुपर इम्पॉसिबल, ये मिरर है, यहाँ मिरर है, ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये ए कंपाउंड जो होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सुपर इम्पॉसिबल भी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एनन्सियोमर्स होते हैं। दूसरा एक लेटर आपको हम देते हैं, जैसे देखिए जैसे बी लेटर है, बी लेटर है, तो बी लेटर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये कंपाउंड कैसा हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ लिख दीजिएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। दूसरा बी लेटर है, बी लेटर में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मिरर इमेज लेते हैं, बी लेटर का मिरर इमेज लेते हैं, तो मिरर इमेज कैसा होगा इसका, ऐसा बी बनेगा, ऐसा बी बन जाएगा। और इस बी को उठा के इस पे रख दीजिए तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये बी कंप्लीट इसको नहीं ढकेगा, अगर इस बी लेटर पे, इस बी लेटर पे इसको इमेज को रखते हैं तो ऐसा बनेगा, ये इस टाइप से बन जाएगा, ये तो कंप्लीट नहीं ढका, तो इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये कैसा मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, ये बीच में मिरर था। आप कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव अभी भी नहीं हुआ ये, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको दो इक्वल हाफ में आप बांट सकते हैं, ये भी दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मीजोफॉर्म होते हैं ये, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये कंपाउंड भी, बी कंपाउंड भी कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्यों हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये सुपर इम्पॉसिबल, ये हो गया सिमेट्रिकल, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड एक और लेटर आपको देते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव, कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे इस तरह का पी लेटर है, ये पी लेटर है, या क्यू लेटर मान लीजिए, पी लेटर मान लीजिए, पी लेटर है, तो पी लेटर का मिरर इमेज लीजिए, बीच में मिरर रख दिए, बीच में मिरर रख दिए, मिरर इमेज लिए, तो पी लेटर का मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये इस पी को उठा के इस पे रख दीजिए, पी का मिरर इमेज क्यू बन गया, देखिए पी का मिरर इमेज कैसा, क्यू बन गया, उल्टा हो गया ये, तो इस इमेज को उठा के इस पे रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर
इम्पॉसिबल हुआ ये, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब दूसरी बात है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, ये अनसिमेट्रिकल नेचर का है। कैसा है? एसिमेट्रिक बोल सकते हैं इसे, एसिमेट्रिक नेचर का है ये, ए मीन्स नॉट, नॉट सिमेट्री है ये, तो बिल्कुल ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा ये पी लेटर, कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज भी है, एसिमेट्रिक नेचर भी है, तो ये डिफिनेट क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ये, पी लेटर जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। उतारिए यहां तक, इस तरह से एक एल लेटर हम लिखते हैं, एल लेटर, एल लेटर दे दिए हैं, तो एल लेटर का मिरर इमेज लिए, मिरर इमेज, एल लेटर का मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा इस टाइप से बना दिए, एल लेटर का मिरर इमेज इस तरह से एल बना, इस तरह से एल बना, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। कैसा होगा ये? नॉन सुपर, इस इमेज को उठा के इस पे रखेंगे तो कंप्लीट ये नहीं ढकेगा, इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्या बोलेंगे इसे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा ये, मिरर इमेज हो जाएगा, उतना लिखने का, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा ये। उसके बाद देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, अनसिमेट्रिकल है ये या एसिमेट्रिकल है ये? एसिमेट्रिकल, ए मीन्स नॉट सिमेट्री, ए मीन्स नॉट और सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक नेचर का है और एसिमेट्रिक दोनों नेचर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल और एसिमेट्रिक नेचर का होता है, तो कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। चलिए खत्म हो गया ये, उतार लीजिए इसको भी, आगे पढ़ाते हैं आपको हम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वेरी कॉमन होते हैं, लिखते हैं उसको आगे। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हेडिंग लिखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन, इज वेरी कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक और पॉइंट लिखिए इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज रेयरली, रेयरली ऑब्जर्व्ड इन, ऑब्जर्व्ड इन, रेयरली ऑब्जर्व्ड इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो आपको पढ़ना है केवल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या पॉसिबिलिटी होते हैं, टेट्राहेड्रल में नहीं होते। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर CN4 कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, तो दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें बनते हैं। एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो रेयरली ऑब्जर्व्ड होगा, मतलब कभी कभार होंगे इसमें, अब मान के चलिए नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो नहीं होगा, या रेयरली ऑब्जर्व लिख सकते हैं, रेयरली, कभी कभार, एकाद कोई एग्जाम्पल एक्सेप्शन में मिल जाता है, रेयरली ऑब्जर्व, एकाद कोई एग्जाम्पल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जो आपके सिलेबस में है ही नहीं एक भी, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा बता सकते हैं टेट्राहेड्रल में रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, कॉमनली नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं, आपके सिलेबस में है भी नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं होते, बात खत्म। नेक्स्ट है, अगर हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन DSP2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हाइब्रिडाइजेशन DSP2 यानी तो SP3 DSP2 होते हैं, तब ज्योमेट्री कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, रेयरली ऑब्जर्व्ड
आप ऐसा मान के चलिए कि टेट्राहेड्रल में भी नहीं होते हैं और स्क्वायर प्लेनर में भी नहीं होते, बातें खत्म। ऑक्टाहेड्रल में केवल होते हैं, मीन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में होगा ही नहीं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, याद रखिएगा। यहाँ तक उतारिए फिर बताते हैं, फिर पॉसिबल टाइप्स ऑफ बताते हैं आपको। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी लिख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो अभी लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पॉसिबल टाइप्स आप लिखिएगा, पॉसिबल टाइप्स, पॉसिबल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, पॉसिबल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पॉसिबल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो फिर देखिए क्या क्या होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में है वो पहले लिख रहे हैं, जो एनसीईआरटी में है वो पहले लिख रहे हैं। एनसीईआरटी में आपका इस टाइप का है, अगर कंपाउंड एम, सेंट्रल मेटल एम और बाइडेंटेट लिगेंड्स ए ए थ्री टाइप, इस टाइप का कंपाउंड होगा, बाइडेंटेट लिगेंड्स 3 होंगे और एक सेंट्रल मेटल होगा, तो इस टाइप के कंपाउंड में पॉसिबल होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से आपको बताएंगे, कोबाल्ट ईएन, कोबाल्ट ईएन, ईएन फोर इथाइलिन डायमिन हॉल 3, और कोबाल्ट इसमें प्लस 3 स्टेट में रहेगा तो 3 प्लस लिखना पड़ेगा आपको, 3 प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज, कोबाल्ट पे प्लस 3 चार्ज, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसमें हो सकता है, या नहीं तो इसमें भी हो सकता है, ये एनसीईआरटी में आपका है, और या नहीं तो इसमें भी हो सकता है, क्रोमियम ईएन हॉल 3 टाइप, इसमें भी हो सकता है प्लस 3 चार्ज, इसमें या नहीं तो इसमें हो सकता है। चलिए एक ही लिखिए जो आपके एनसीईआरटी में है वही लिखिए, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है यही पढ़िए। नेक्स्ट है, या नहीं तो कंपाउंड इस टाइप का होना चाहिए, सेंट्रल मेटल बाइडेंटेट लिगेंड ए ए टाइप 2 होना चाहिए, बी टू टाइप मोनोडेंटेट 2 होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। और इस टाइप में तो ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल थी, ये दोनों एनसीईआरटी में है, ज्योमेट्रिकल भी होते हैं ऑप्टिकल भी होते हैं, और इसका एग्जांपल ऑप्टिकल में ये दिया हुआ है, प्लेटिनम ईएन हॉल 2 सीएल 2। यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं और प्लेटिनम सेंट्रल मेटल रहते हैं तो ये प्लस 4 स्टेट में रहते हैं, और प्लस 4 लाने के लिए ये माइनस 2 और इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस 2 चार्ज रखना पड़ेगा, ये प्लस 2 और रखना पड़ेगा तभी ये प्लस 4 हो पाएगा, तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस 2 चार्ज। और एक और एग्जांपल है इसका वेरी कॉमन, जो हम ज्योमेट्रिकल में बताए थे, कोबाल्ट वाला सी ओ ई एन, सी ओ ई एन हॉल 2 सी एल 2 सी एल, ये भी था। नेक्स्ट एक और देखिए, ये दोनों एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी तो कंपाउंड ऐसा होना चाहिए, एम ए ए, बस बस यही 3 एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में है, बस 3 ही एग्जांपल है एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में बस यही 3 एग्जांपल है, ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी का है, इस 3 एग्जांपल को अच्छे से याद रखेंगे, 3 एनसीईआरटी में है। उसके बाद देखिए और भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी तो कंपाउंड ए टू बी सी टाइप होना चाहिए, ए टू बी सी टाइप का एग्जांपल किस टाइप का रहेगा, तो कोई भी सेंट्रल मेटल ले लीजिए, कोई भी सेंट्रल मेटल, प्लेटिनम ले लिए, इथाइलिन डायमिन ले लिए 2 सी एल बी आर ले लिए, सी एल बी आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स उधर, ए टू बी सी टाइप, ये अलग मोनोडेंटेट लिगेंड, और प्लस 2 चार्ज रख देंगे, प्लस 4 स्टेट होगा ये, या नहीं तो कंपाउंड इस टाइप का होना चाहिए, 4 नंबर में सेंट्रल मेटल, और ये ए टू लिखे थे ना इस टाइप का, ए ए बाइडेंटेट लिगेंड्स 1 होना चाहिए, बी टू टाइप मोनोडेंटेड 2 और सी टू टाइप मोनोडेंटेड 2, इस टाइप का होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके भी, बहुत सारे एग्जाम्पल है,
आप इसी का एग्जांपल प्लेटिनम का ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है। इथाइलिन डायमिन ले लिए दो, और बी टू टाइप सी एल टू बी आर टू रख दिए, ये एग्जांपल। ये टाइप मैन याद रखिएगा, या नहीं तो कंपाउंड इस टाइप का होना चाहिए, बस दो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप। ये दोनों एनसीईआरटी का है। आगे और भी जेई का एग्जाम, जेई और मिड नीट का एग्जाम देंगे तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, टाइप फाइव नंबर में, या नहीं तो इस टाइप का होना चाहिए। एम बायडेंटेट लिगेंड्स को मोनोडेंटेट के टर्म में ए टू लिख देते हैं, ए टू बी टू सी टू टाइप होना चाहिए, तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल प्लेटिनम का ही ले लीजिए, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल ए टू टाइप, अमोनिया टू टाइप सी एल टू टाइप, बी आर टू टाइप एग्जाम्पल ले लिए इसका, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, या नहीं तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए। एक और एम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए बी बायडेंटेड लिगेंड जो होना चाहिए दोनों इंड अलग अलग होना चाहिए, ए बी थ्री टाइप, ए बी थ्री टाइप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल प्लेटिनम क्रोमियम कुछ भी लिख सकते हैं, क्रोमियम ले लीजिए, क्रोमियम जी एल वाई ग्लाइसिन हॉल थ्री, इस टाइप का ले लिए। एक और टाइप है इसमें जो लास्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इसमें भी पॉसिबल होते हैं, सेवन नंबर में, एम ए बी सी डी ई एफ टाइप, एम ए बी सी डी ई एफ टाइप, सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स और सिक्स, और इसका एग्जांपल आप जानते ही हैं, कोई भी ले लीजिए, प्लेटिनम का ले लीजिए, प्लेटिनम एन एस थ्री, कोबाल्ट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको, लेकिन प्लेटिनम का बहुत सारा एग्जाम्पल मिलता है, प्लेटिनम एन एस थ्री एच टू ओ सी एल बी आर आयोडीन क्लोरिन, सब डिफरेंट डिफरेंट, एक सेंट्रल मेटल बाद में की सिक्स लिगेंड। तो उतारिए यहाँ तक, पहले नीचे बोर्ड दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए इसका, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का टाइप जो एनसीईआरटी में वही फिगर बना रहे हैं, इस टाइप का एम ए ए थ्री टाइप, तो हम एक ले लेते हैं एम ए ए थ्री टाइप, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल हम जो एनसीईआरटी में लिखा वही एग्जांपल ले रहे हैं, कोबाल्ट ई एन इथाइलिन डायमिन हॉल थ्री, और कोबाल्ट का यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इथाइलिन डायमिन बायडेंटेट लिगेंड है, तीन लिगेंड होंगे, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो कोबाल्ट पे प्लस थ्री चार्ज रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स पे प्लस थ्री चार्ज रहेगा, ये जीरो स्टेट, ये प्लस थ्री हो जाएगा, इस तरह का इसका एग्जाम्पल देखिए। तो जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो डेफिनेट ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल कैसा होते हैं तो स्क्वायर बायपिरामिडल होते हैं, तो स्क्वायर बायपिरामिडल बनाते हैं, स्क्वायर पहले बनाइए, ये स्क्वायर, स्क्वायर बायपिरामिडल, बीच में कोबाल्ट रहेगा इस तरह से, कोबाल्ट और इस तरह से रहेगा ये इथाइलिन डायमिन, इथाइलिन डायमिन को थोड़ा समझिए, तो इथाइलिन डायमिन सी एच टू सी एच टू एन एच टू, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमिन, ये इथाइलिन डायमिन का बायडेंटेट लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा, इसका नाम है इथाइलिन, इथाइलिन दो एमिन, तो डायमिन नाम हो गया डायमिन, और शॉर्टकट में इसको ई एन लिखते हैं, इथाइलिन डायमिन को शॉर्टकट में ई एन, ई एन फॉर इथाइलिन डायमिन। तो बायडेंटेट लिगेंड्स तो ये डोनर एटम्स नाइट्रोजन, इधर भी डोनर एटम्स नाइट्रोजन, तो यहाँ अमोनिया डोनर एटम्स, इधर भी अमोनिया डोनर एटम्स, और बीच में CH2 ऐसा लगा हुआ है, CH2 बीच में इथाइलिन है, CH2 इस तरह से, इधर भी होगा, इधर हम जोड़ते हैं NH2, ये होगा तो इधर CH2, इधर भी CH2 और NH2, इथाइलिन डायमिन इधर जोड़ती है, एक इथाइलिन डायमिन को इधर जोड़ देते हैं तो NH2 ये हो जाएगा, ये भी NH2 होगा, और इधर CH2, इधर भी CH2 और इस तरह से, ये इस तरह से इथाइलिन डायमिन, इथाइलिन डायमिन, इसको आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हो,
इसको शॉर्टकट में इथाइलिन डायमिल की जगह ई एन लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो इसको, इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हो, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसा लिख सकते हो, ई एन इधर लिख देते ई एन इथाइलिन, ई एन फॉर इथाइलिन डायमिन, इधर भी ई एन और इधर भी ई एन इथाइलिन डायमिन, ई एन इधर, इस तरह से इथाइलिन डायमिन, इथाइलिन डायमिन। और इसके सामने मिरर रखेंगे, एक इसके सामने मिरर रखेंगे, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, मिरर इमेज कैसा बनेगा इसका, देखिए मिरर इमेज क्यों ले रहे हैं आप जानते हैं। देखिए ये आपको बुक में दे देगा कि ये कंपाउंड जो है डी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, ये डी फॉर्म है, ये डी फॉर्म का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है, इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा तो ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करेंगे तो डी फॉर्म बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटली ऐसा है। तो इसका जो मिरर इमेज लेंगे तो वो एल फॉर्म हो जाएगा, इसका मिरर इमेज एल फॉर्म हो जाएगा। और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज याद कीजिए ई एन, ई एन ऐसा है, ई एन इस तरह से है, और एक इथाइलिन डायमिन इधर है, ई एन ऐसा। तो इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पॉजिबल कैसे है, इस मिरर इमेज को उठा के इस पे रखेंगे तो कंप्लीट ये नहीं ढकेगा, तो हो जाएगा नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज, कंप्लीट नहीं ढकेगा। तो डी फॉर्म है ये, तो डी फॉर्म का मिरर इमेज क्या बनते हैं, एल फॉर्म बनते हैं, डी फॉर्म का मिरर इमेज एल फॉर्म बनते हैं। उतारिए इसको, देखिए क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि ये एल फॉर्म दिया हुआ है तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो डी फॉर्म बनेगा, डी फॉर्म दिया हुआ है डी फॉर्म का मिरर इमेज लेंगे तो एल फॉर्म बनेगा। एक फॉर्म आपको दिया रहेगा, आप कहेंगे ये डी फॉर्म कैसे है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, तो डेफिनेटली ये एल फॉर्म होगा। उतारिए फिर आगे हम बताते हैं। एक चीज और, डी फॉर्म और एल फॉर्म आपस में एनेंसियोमर्स होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होते हैं, एनेंसियोमर्स होते हैं, एनेंसियोमर्स, ये एक दूसरे का दोनों क्या हो जाएगा, एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स हो जाएंगे। एनेंसियोमर्स क्या होते हैं तो लिखिए, हम आगे डिफाइन कर देते हैं एनेंसियोमर्स को, एनेंसियोमर्स होगा ये, एनेंसियोमर्स आप लिखे थे एक बार डिफाइन भी कर लीजिए, तो एनेंसियोमर्स क्या होते हैं, एनेंसियोमर्स ये ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा से पढ़ना है, एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स क्या होते हैं जानिए इसको। एनेंसियोमर्स का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, द एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड एन, एसिमेट्रिक एन एसिमेट्रिक कंपाउंड, कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ इच अदर, ऑफ इच अदर, एनएसिमेट्रिक कंपाउंड या एसिमेट्रिकल कंपाउंड या एसिमेट्रिक कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स, आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स ऑर्गेनिक में और अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए जो आपके एग्जाम में दिया हुआ, सेकेंड एग्जांपल देखिए, इस टाइप का कंपाउंड एम ए ए जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी का हम बता रहे हैं, एम ए ए बी टू टाइप, एम ए ए बी टू टाइप। तो इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी में लिखा है वही हम दे रहे हैं, तो इसका एग्जांपल है प्लेटिनम, प्लेटिनम बाइडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमिन ले लेते हैं, ई एन हॉल टू सी एल टू, और प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर ये सिक्स में होते हैं तो प्लस फोर स्टेट में होता है, तो इस पर दो प्लस चार्ज और रखना पड़ेगा, ये माइनस टू और ये प्लस टू, प्लस फोर रखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पे, देखिए ये माइनस टू हो जाएगा और इस पर प्लस फोर रखेंगे तभी हो पाएगा इस तरह से, तो ये कंपाउंड इस तरह से होंगे।
बता चुके हैं सब, ऑक्सीडेशन नंबर और बहुत बताए हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो इस टाइप से हो जाएंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, डिफिनेट ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल कैसा होते हैं तो स्क्वायर बाय पिरामिडल होते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल कहते हैं कैसे होते हैं देख लीजिए, बीच में प्लेटिनम रखेंगे, स्क्वायर ज्योमेट्री बनाए और स्क्वायर बाय पिरामिडल। प्लेटिनम मान लीजिए, इथाइलिन डायमिन दो क्लोरीन भी है तो सिस फॉर्म लिखते हैं इसका, सिस फॉर्म, पहले सिस फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस फॉर्म। तो ये क्लोरीन सेम साइड, इथाइलिन डायमिन को इधर लिख देते हैं, एक इथाइलिन डायमिन को इधर लिख देते हैं। ये दोनों क्लोरीन सेम साइड है, सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है और सिस का ये डी फॉर्म है। मान लीजिए सिस का ये डी फॉर्म है, डी फॉर्म है, फॉर्म है, तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो एल फॉर्म बनेगा। देखिए सिस टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्म में सिस फॉर्म होगा। ये इस टाइप का ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल होते हैं, इसमें एम ए ए टू हॉल टू बी टू टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होते हैं, लिखा चुके हैं ज्योमेट्रिकल का टाइप देख लीजिएगा। इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों पॉसिबल होगा, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों पॉसिबल होगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये। ज्योमेट्रिकल का ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म का ये डी फॉर्म है, डी फॉर्म है, तो इसका मिरर इमेज जो होगा एल फॉर्म होगा। तो मिरर इमेज कैसा बनेगा देखिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्लेटिनम, प्लेटिनम देखिए क्लोरीन इधर है, क्लोरीन यहां रख दिए, एक क्लोरीन यहां है, यहां रख दिए, मिरर इमेज ऐसा बना। और ये इस साइड है, इधर बनेगा ये ई एन, ये इस साइड है तो पीछे बनेगा इसका इमेज ऐसा। तो मिरर इमेज इसका क्या बनेगा एल फॉर्म, डी फॉर्म का मिरर इमेज एल फॉर्म बनेगा। उतार लीजिए इसको, देखिए ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म है, इसका सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म, सिस फॉर्म का दो है, सिस फॉर्म का डी और एल है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, जो आगे लिखते हैं। उतार लीजिए इसको, हम फिर बताते हैं ट्रांसफॉर्म इसका। देखिए इसी का ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म इसी का, यहां तक आपके पास लिखा हुआ था, आगे फिर लिखिएगा आप ट्रांसफॉर्म। प्लेटिनम, प्लेटिनम क्लोरीन, क्लोरीन अपोजिट साइड है ट्रांसफॉर्म, इथाइलिन डायमिन इधर है, इथाइलिन डायमिन इधर है और इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज तो ऐसा ही बनेगा। जैसा ये फिगर है वैसा ही इधर भी है। देखिए ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, इस इमेज को उठा करके इस पे रखेंगे तो कंप्लीट ये ढक जाएगा, तो नाम होगा सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों आपस में क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इसका, ये ट्रांसफॉर्म है इसका, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस, अपोजिट साइड है ट्रांस, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका। और सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखिएगा सिस फॉर्म से डी और एल बनेगा और ट्रांसफॉर्म से डी और एल नहीं बनेगा, याद रखिएगा इसको। उतारिए एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, थर्ड नंबर एग्जाम्पल एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये इस टाइप का है, क्रोमियम ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन 3 और इस पे माइनस 3 चार्ज, क्योंकि ऑक्सिलेट आयन माइनस 2 फॉर्म। ऑक्सिलेट आयन के बारे में थोड़ा जानिए, तो ओ एक्स 4 क्या, तो ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन कैसा होते हैं, ऑक्सिलेट आयन होते हैं सी डबल ओ माइनस, सी डबल ओ माइनस। और ये कहाँ से आया है, तो ऑक्सिलिक एसिड से आया है, ये फॉर्मूला है ऑक्सिलिक एसिड का, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच इसको बोलते हैं ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सिलिक एसिड। ऑक्सिलिक एसिड से दो हाइड्रोजन, दो एच प्लस हटा दीजिए तो कैसा बनेगा ये, सी डबल ओ माइनस, सी डबल ओ माइनस, और इसको समेट के लिख दीजिए, दो कार्बन है तो सी टू
और ओ फोर चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन माइनस टू चार्ज। तो यहाँ देखिए एक ऑक्जेलिक एसिड पे माइनस टू चार्ज होगा तो तीन पे कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएंगे। टोटल चार्ज यहाँ प्लस, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज माइनस थ्री। तो एक्स का वैल्यू कितना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, प्लस थ्री, अच्छे से लिख देते हैं, ये इधर आएगा प्लस सिक्स हो जाएंगे माइनस थ्री, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएंगे, प्लस थ्री हो जाएंगे। तो फिर ये ऑक्टाहेड्रल, ये भी ज्योमेट्री होगा, बना देते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्रोमियम ऑक्जिलेट आयन, ये ओ एक्स सिस फॉर्म, ओ एक्स इस टाइप से, ये सिस फॉर्म है इसका, और सिस फॉर्म ये डी फॉर्म है, मान लीजिए ये इसका डी फॉर्म है, और डी फॉर्म का मिरर इमेज क्या हो जाएंगे, डी फॉर्म। डी फॉर्म क्रोमियम ऑक्सिलेट आयन ओ एक्स इस तरह से, तो डी फॉर्म का मिरर इमेज क्या होते हैं, एल फॉर्म होते हैं, एल फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म का मिरर इमेज एल फॉर्म होते हैं। दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एनेंसियोमर्स है, दोनों एनेंसियोमर्स है, दोनों एनेंसियोमर्स है, और एनेंसियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एनेंसियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उतारिए इसको, एक क्वेश्चन है जेई मेन का 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन, जेई 2016 का क्वेश्चन है, जेई मेन का इस तरह से क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सो सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, कोई दिक्कत नहीं, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस दे दिया यहाँ, कॉम्प्लेक्सेस एक ही बात है, कॉम्प्लेक्सेस सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोम 2016 क्वेश्चन है ये, फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट में सी ओ कोबाल्ट, सी ओ फोर कोबाल्ट, एन एच थ्री हॉल थ्री, एन एच थ्री हॉल थ्री सी एल थ्री, देखिए ये टाइप आपको हम एम ए थ्री बी थ्री टाइप हो गया, ये टाइप आपको हम ऑप्टिकल में नहीं लिखाए हैं। नेक्स्ट सेकेंड है सिस, सिस लिख दिया पहले, सिस सी ओ ई एन हॉल टू सी एल टू, सी एल टू सी एल, फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ट्रांस, ट्रांस सी ओ ई एन हॉल टू सी एल टू सी एल, और डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन कोबाल्ट एन एस थ्री हॉल फोर सी एल टू सी एल टू सी एल। आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, सबसे पहले टाइप देखिए, टाइप देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाए थे, किस टाइप का है ये, एम ए थ्री बी थ्री टाइप, ये टाइप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखाए थे, इसमें तो ऑप्टिकल होगा ही नहीं, ये टाइप आ गया, तो ये किस टाइप का है, तो एम ए ए, एम ए ए टू बी टू टाइप है, डिफिनेट इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा ऑप्टिकल भी होगा। अब ये देखिए सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म में दिया हुआ है, तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जस्ट अभी बताएं आपको, और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसफॉर्म सुपर इम्पॉजिबल इम्पोज कर जाता है, सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज हो जाता है ट्रांसफॉर्म का, और सिस फॉर्म क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉजिबल, तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म ज्योमेट्रिकल में आपको बताए थे, किस टाइप का है ये, एम ए फोर बी टू टाइप, ज्योमेट्रिकल में आपको बताए थे, ये भी ऑप्टिकल इसमें भी नहीं होगा, तो इसका एक बार देखते हैं सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म ये किस तरह से, तो सिस फॉर्म कोबाल्ट सिस फॉर्म, क्लोरीन रख दिए कोबाल्ट, इस तरह से ई एन इथाइलिन डायमिन है,
या निथाइलिन डायमिन, तो ये इसका सिस फॉर्म है, ये इसका सिस फॉर्म, सिस फॉर्म में सिस, सिस फॉर्म में ये डी फॉर्म होगा, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा इस तरह से कोबाल्ट। ये क्लोरीन सिस फॉर्म ईएन और इधर भी ईएन, ये हो जाएगा ये डी फॉर्म, तो ये एल फॉर्म, ये डी फॉर्म तो एल फॉर्म, सिस का ही टाइप है ना, ये सिस का ही टाइप है, और ये डी फॉर्म एल फॉर्म, ये क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इस मिरर इमेज को उठा के इस पे रखेंगे तो कंप्लीट ये नहीं ढकेगा, ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो ऑप्शन बी इस तरह का क्वेश्चन। बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 13th लेक्चर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो आप एक से लेकर के 13 तक वीडियो जो लेक्चर देखेंगे वो सबका एक समराइज फॉर्म हम क्वेश्चन बताएंगे। लेक्चर नंबर 14 में हम क्वेश्चन ही बताएंगे, जे एडवांस का क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन आपको हम ये बताएंगे आगे वाले वीडियो में। 14th लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे, और उसके बाद एक और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो पढ़ा देंगे 15th लेक्चर में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्बन मेटल बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाने से आप भी नहीं देख पाते हैं, और 50 मिनट का वीडियो ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।